हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। सॉरी आज के थोड़े डिले के लिए। हाँ जी, तो थोड़ा सा सेशन लेट हो गया, वैसे 3:30 होता है, पर मैसेज आपके पास शायद पहुंच गया होगा कि 3:45 पे था आज का सेशन। ठीक है, चलो तो अब सेशन को शुरू करते हैं। सेशन रोज मिलेगा, ठीक है। सेशन ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, बच्चे ये सोच रहे थे कि सेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सेशन तो रोज होगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि सेशन नहीं होगा। 5-10 मिनट कभी लेट हो जाए तो उतना आप मुझे थोड़ा सा टीचर को अपने माफ कर सकते हैं। चलिए, 15 मिनट लेट से आए, कोई बात नहीं। अरे नाराज नहीं हूं मैं आपसे, थोड़ा सा बस फंस गया था थोड़ा। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि अब देखो पेड कोर्स भी जो है चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसका भी क्लास रहता है और थोड़ा लंबा क्लास रहता है वो, तो उससे फ्री होकर फिर जो है लाइव सेशन में आए। ठीक है, चलिए, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं नहीं, सारे सेशंस पेड नहीं होंगे। देखो, जो ये हमारा यूट्यूब पर चल रहा है ये तो चलेगा, ये जो यूट्यूब पर प्रोग्राम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो है आपका पेड कोर्स जो है वो तो उसका तो अलग ही सारा सिस्टम चलता है, उसका 12 बजे क्लास रहता है। ठीक है, और उस क्लास में बेसिकली हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक वाला पार्ट जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखते हैं और स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं, तो सारा वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज सेशन को पहले तो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि जो ये फ्री लेक्चर्स हैं ये तो मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सके। जो फ्री सेशन है ये मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अब एक हमारे पास, देखो जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था, जब पहले मैंने आपको जिस दिन बताया था कोर्स के बारे में, उस दिन मैंने आप सबको बोला था कि आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो 20% ऑफ हमने कल तक चलाया उसको, पर अब वो खत्म हो चुका है ऑफर। तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे भी, और कि सर वो ऑफ जो था वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या चक्कर है उसमें। तो बच्चों ऐसा है कि वो ऑफ वाला पीरियड तो देखो अब हो गया खत्म। ठीक है, तो आपका बेसिकली कोर्स जो है वो 999 रुपीज का है, तो 20% ऑफ मिल रहा था, पर अब काफी सारे बच्चों ने 999 में भी परचेज कर लिया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने 999 में भी परचेज कर लिया है। तो अगर अब मैं उस कोर्स को सस्ता कर दूंगा या डिस्काउंट कोड अब उस पर लगा दूंगा, तो जिन्होंने 999 पे करे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि हमने इसमें बच्चे कम से कम रखने हैं, जो ये पेड कोर्स है इसमें ऐसा नहीं है कि हमने हजारों बच्चों को ले आना है। जो हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमने इस कोर्स में 100 बच्चे रखने हैं। ठीक है, जिसमें से 50 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जैसे जैसे एडमिशन बढ़ते जाएंगे इसका जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अभी अगर कोई खरीदना चाहता है तो इसको 999 में अभी भी सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, और एक बार 100 एडमिशन हो गए तो एडमिशन को रोक भी दिया जाएगा। क्लियर है ना? चलो, तो अब इस विषय में किसी के साथ कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई एकेडमिक बात जो है कोई पूछना चाहता है, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट था, किसी क्वेश्चन को एनालाइज किया हो, लगा हो कि टीचर ने गलत पढ़ा दिया, टीचर भी इंसान का बच्चा है, बिल्कुल गलत पढ़ा सकता है, तो अगर कुछ ऐसा गलत लगा है कि हाँ यहाँ पर टीचर ने गलत पढ़ाया है, चाहे वो रोहित सर की क्लास हो, चाहे वो मेरी क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, तो वो पूछ सकता है। बाकी आप आज का सेशन जो पेड कोर्स में चला है उसका रिव्यू अपने साथियों से ले सकते हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो पेड वाले भी हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेटा दो चीजें कवर करेंगे। ठीक है, कुछ तो मैंने आपका स्टैटिक इकोनॉमी से जो है क्वेश्चंस डाले हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको करंट के मिलेंगे, जो बेसिकली जैन 2020 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके अलावा हम कुछ जो है स्टैटिक चीजें और देखेंगे, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स और डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वो चलेगा। हाउ टू बाय द पेड कोर्स, देखो पेड कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पेड कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आज की वीडियो में लिंक मिल जाएगा, या जो पिछली वीडियोज है उनमें भी लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ सबके अपलोड हो जाएंगे, पीडीएफ में थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो आज रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक्स मिल जाएंगे अभी सबको, वहां से करके सेशन के बाद जाना आराम से, ये वाला सेशन देख के फिर आराम से जाके परचेज वगैरह करना। ठीक है, यहां पर मिस मत कर देना।
चलो, और जो पेड सेशन में होता है उससे अलग चीजें होती है यूट्यूब के सेशन में। कहीं आपको ये लगे कि यूट्यूब के सेशन में भी वही चीजें हो रही हैं और पेड में भी, तो क्या फायदा होगा लेने का। पेड में अलग होता है, क्योंकि जितने मेरे पेड सेशन वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने बोला है कि उन्हें यूट्यूब का सेशन तो देखना ही देखना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वॉज स्टार्टेड इन, तो हिंदुस्तानी करेंसी का डेसिमल सिस्टम कौन से साल में स्टार्ट हुआ। और सेशन को शेयर कर दो, मैक्सिमम व्यूअर्स मुझे इस पर चाहिए। तो 1950, 55, 57 या 60, कौन से साल में जो है आपका डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी शुरू हुआ। कुमार सर्वेश कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूं तो फ्री से काम चलाऊंगा। कोई बात नहीं कुमार, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के सेशन देखिए, जो आपकी मर्जी है, वो इच्छा है। पीडीएफ भी मिलेंगे, पेड कोर्स के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, वो कोर्स के साथ ही पीडीएफ भी है उसमें अवेलेबल, ऑनलाइन ही है, वो भी ऑनलाइन कोर्स रहेगा जो होगा, ऑफलाइन नहीं है। चलो तो इसका आंसर अब बच्चों का आना शुरू हो गया है। दीपांशु कह रहे हैं 55, ठीक है, और कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, 57 बोल रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन 3, जो ऑप्शन 3 जिन बच्चों ने दिया था उनका बिल्कुल सही है, 1957 ही है। अब देखो हुआ क्या, हिंदुस्तान को आजादी मिली 1947 में, और हमारे यहां पर नॉन डेसिमल कॉइनेज उस समय फॉलो होता था। नॉन डेसिमल कॉइनेज में क्या होता था कि भाई 1 रुपए को आपने 16 आने में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसको 64 पैसे बोलते थे। लेकिन 1957 में मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए हिंदुस्तान ने डेसिमल सिस्टम यूज किया। लेकिन कुछ समय तक, देखो कोई भी नया सिस्टम आता है जब, तो वो थोड़े टाइम तक, ऐसा नहीं है कि जो पुराना सिस्टम है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर कोई भी नया सिस्टम आ रहा है तो पुराने सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए बफर के फॉर्म में कंटिन्यू किया जाता है। तो 57 में डेसिमल सिस्टम तो आ गया, पर नॉन डेसिमल सिस्टम को भी कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। तो दो तरह के फिर सिक्के मिंट किए जाते थे, और जो डेसिमल सिस्टम वाले सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था, नया पैसा। जैसे एक कहावत भी है ना कि एक नया पैसा नहीं मेरे तो हाथ लगा, ठीक है, तो वो यही नया पैसे की यहां पर बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो डिनोमिनेशंस आए, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इस तरह के सिक्के आए। उससे पहले क्या होता था, 2 आना, 4 आना, 6 आना, तो अब उसको खत्म कर दिया। तो आप देखते हो जो वो 25 आना या 16 आने का सिक्का आपको कभी आपके दादा दादी ने भी दिखाया होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो कितने पुराने सिस्टम है, और वो नॉन डेसिमल सिस्टम वाले जो है सिक्के हैं। क्लियर, चलो अगला सवाल देखें। चलो, व्हाट इज नबार्ड प्राइमरी रोल। अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि नबार्ड का प्राइमरी रोल से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है, कि नबार्ड का प्राइमरी रोल यहां पर क्या था। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू एक्ट एज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। दीजिए अब इसका आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर होगा इसका, सब लोगों का आंसर मुझे चाहिए यहां पर। एग्जाम तो ऑफलाइन ही होता है हरमनजीत, और सॉरी ऑनलाइन एग्जाम होता है नबार्ड का। चलिए तो ज्यादातर आंसर बच्चे 4 कर रहे हैं। पीयूष कह रहे थे सी, कि सिर्फ और सिर्फ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरह ये एक्ट करता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, नबार्ड जो है वो सारे काम करता है। तो अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है देश का, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और विलेज लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती है जो रूरल एरियाज में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं। मेनली एक आप अगर मैं बात करूं तो ये प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं इसको नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि एक मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर मैं ये जो अभी आपने करंटली नबार्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला, ये बेसिकली एक मेंस को ज्यादा जो है कवर करता है ये वाला सवाल। अगर उसके बाद देखें फंक्शन इसके क्या है, टू कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आरबीआई हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ये उनके एफर्ट्स को एक साथ एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके जो है रूरल फाइनेंसिंग के लिए काम करता है, ताकि जो रूरल जो नीड्स है फाइनेंस की वो इनको सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है? तो उसके अलावा अगर आप देखो तो रीफाइनेंस का काम करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रूरल सेक्टर को, एंड टू रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द आरआरबीज। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट इसमें? कुमार सर्वेश कह रहे हैं कि पेड़ वाले का पीडीएफ लीक करा दो दोस्तों। अच्छा चलो, वो तो आप लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जो पेड़ वाले बच्चे हैं वो अगर ये करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो वो आप लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, टेंशन नहीं है उसमें अपने को कोई। ठीक है, बच्चा पढ़ेगा तो कोई टेंशन नहीं है, लीक वीक वाला कोई चिंता नहीं है। अच्छा एक बात और, लीक से याद आया, चलो ऐसा करते हैं, जिनको कोर्स खरीदना है अगर उनको वैल्यू लगती है और उनको है कि डिस्काउंट चाहिए, तो एक काम करो, अगर आज तुमने सेशन शेयर किया और 100 लाइव व्यूअर्स हो गए तो सीधा 10% डिस्काउंट एक्टिव हो जाएगा आज रात 12 बजे तक के लिए। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये मैं अपनी अथॉरिटी से कर रहा हूं, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 100 लाइव पहुंचा दो एक बार। चलो अगला सवाल देखो, नबार्ड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ये सब मैं बात कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट पॉलिसी वॉज द BIFR एस्टैब्लिश्ड। अब BIFR जो है इसकी फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ कि कौन से एक्ट के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया है, और अगर इसके बारे में ही नहीं पता तो एक्ट भी नहीं बता पाओगे। अगर BIFR के बारे में कुछ पता है तभी इसके एक्ट के बारे में बता पाओगे। राहुल मैं फ्री कर देता बिल्कुल, पर आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंस्टीट्यूट पूरा खड़ा है, ठीक है, उसमें स्टाफ भी इम्प्लॉयड है, टेक्निकल स्टाफ भी है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर चार्जेस तो निकालने पड़ेंगे ना, सैलरीज भी पे करनी है स्टाफ की। चलिए तो काफी बच्चे स्किप कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या था? सिख इंडस्ट्रियल्स कंपनी एक्ट। तो हुआ क्या बेसिकली बच्चों, पहले BIFR होता क्या है? ये होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये पता होना चाहिए, स्टैटिक पॉइंट है BIFR। अगर मैं तुमसे सवाल में सीधा सीधा बंदा पूछ लें कि भाई BIFR की फुल फॉर्म बताओ, या फिर जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई BIFR आपको वर्ड दे देंगे, इसमें कह देंगे कि भाई एफ किसके लिए स्टैंड करता है, या आर किस लिए स्टैंड करता है, या बी किस लिए स्टैंड करता है, तो वो वाली चीज भी तो होती है ना, बी किस लिए, एफ किस लिए, आर किस लिए। तो BIFR क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसको अब यही के यही याद कर लो, क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अभी इसको रट्टा लगा लो यहीं पर। तो ये एजेंसी है भारत सरकार की, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है उसके अंडर काम करता है। अब बेसिकली 1980s में हुआ क्या, ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस भी बहुत ज्यादा कर रही है, ठीक है, कुछ प्रॉफिट नहीं कर रही, तो अब उन इंडस्ट्रीज को कैसे रिकंस्ट्रक्चर किया जाए, या फिर जिन इंडस्ट्रीज को अब ये लग रहा है कि ये तो प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती, उनको बंद कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और पहले एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, और इसके अंडर 1987 में आपका ये BIFR करके बोर्ड बनाया गया। तो किसी को यहां तक कोई डाउट है या कोई एड ऑन इंफॉर्मेशन देना चाहता है, और जिन बच्चों को ये रहता है कि सर सेशन लंबा चलता है, सर आप बातें बहुत करते हो, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश कर ली उसका कारण, पर अगर अभी भी उनको नहीं समझ आ रहा तो वो कर सकते हैं।
अपना आराम से पीडीएफ देख सकते हैं, उनको मिल जाएगा रजिस्टर करके। सेटअप इन जनवरी 1987 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, बिल्कुल, पर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ी सी अगर एड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो राहुल, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो बच्चे को काम आए। पेपर में नहीं पूछेगा कि कौन सी सरकार के समय में, बैंक के पेपर में तो स्पेशली जो है नहीं आएगा कि कौन सी सरकार के समय में ये इस्टेब्लिश हुआ है ना। चलो आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, जो सिंबल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो क्या है? अशोकन पिलर, कैपिटल, कुबेर विद अ पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, अ डॉग सिटिंग इन डिफेंसिव स्टेट। बड़ा आसान सा सवाल है, और जो बच्चे आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, अभी 14 तारीख को है ना असिस्टेंट का पेपर, तो जो बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, इतना तो मैं लेकर चलता हूं कि जिस बॉडी का आप एग्जाम दे रहे हो उसके बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, तो इसका आंसर आप सब लोग देंगे। हाँ बिल्कुल अरिजीत, 2016 पर, मैं एक बात बताऊं, नबार्ड का अगर आप पेपर एनालाइज करोगे, ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। तभी मैंने आपको क्या कहा कि करंट नहीं है, स्टैटिक है, स्टैटिक है, क्योंकि जब मेक इन इंडिया वगैरह की बात हुई, ठीक है, तब आपके इकोनॉमिक सर्वे ने भी सवाल उठाए थे कि मेक इन इंडिया तो तुमने कर लिया, पर याद है अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करते हो तो 2016 के इकोनॉमिक सर्वे ने चक्रव्यूह चैलेंज की बात की थी। ये वो वाले क्वेश्चन है जो अभी पीछे क्वेश्चन आया, वो ऐसे क्वेश्चन है जो एज प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आपको आता होता है। ओके, थ्री बच्चे ज्यादातर आंसर दे रहे हैं, दमन कह रहे हैं डॉग सिटिंग इन अ डिफेंसिव स्टेट, अब ये सरकैज़म में बोल रहे हैं या सच में ये आंसर दे रहे हैं इसका। चलो तो आंसर इसका बच्चों क्या है, ऑप्शन थ्री, द लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ कॉम्प्राइज अ टाइगर वॉकिंग अंडरनीथ अ पाम ट्री, तो पाम ट्री के नीचे एक जो शेर चल रहा है वो इसका सिंबल है ना। तो ये आरबीआई ने कहां से उठाया, आरबीआई ने बेसिकली ये उठाया है आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी ना, उसकी एक सोने की मोहर होती थी, मोहर लगाई जाती थी ना उस जमाने में स्टैंप, तो वहां पर से इन्होंने ये बेसिकली आइडिया लिया और वहां से इन्होंने इसको रखा है। आरबीआई ग्रेड बी इज एक्सपेक्टेड इन विच मंथ, देखो इस बार अगस्त तक आ जाना चाहिए अगर आएगा तो, बाकी इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्या पता एग्जामिनेशन पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। दीपांशु उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ी देर में, आज वाले में नहीं है शायद, कल जो परसों सेशन होगा उसमें नबार्ड के लोगों को भी मैंने डिफाइन किया है, तो स्टेप बाय स्टेप चलने दो, ठीक है, ऐसे फिर बहुत हॉश पॉश हो जाता है और फिर बहुत सारे कमेंट करने वाले भी आ जाते हैं ना नीचे कि टाइम लग रहा है ज्यादा। चलो पांचवा सवाल, अ शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द, अगेन स्टैटिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन है, दो इसका आंसर, स्टैटिक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि उसमें हाँ मैंने वही कहा ना अभिषेक की कॉपी किया है, आइडिया लिया है, मैंने ये नहीं कहा कि एज इट इज ले लिया। आरबीआई इस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो अंग्रेज एक एक्ट लेकर आए थे ना 1935 में, तो उसमें उन्होंने इस्टैब्लिश किया था इसको, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए तो थ्री आंसर कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे, इसमें बेसिकली कंफ्यूजन आपको मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ही होगी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन था, तभी देखो ऑप्शन में भी 1313 बोल रहे हैं। चलो तो आंसर इसका बच्चों है ऑप्शन थ्री, ठीक है, ऑप्शन थ्री यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो आपका 1934 वाला जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक, अब इसको ये पेपर में अक्सर कंफ्यूज करेगा कि भाई शेड्यूल्ड बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में किसी लिए है, क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक की बात जो है 1934 में ही हो गई थी, तो 1934 में ही इसको एक्ट में डाल दिया, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना आपका 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद, तो
तो अब ये 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद बना, लेकिन बाद इसकी पहले ही 34 में हो चुकी, तो दोबारा से इसको एक्ट में इन्होंने डालने की जरूरत नहीं समझी, दोबारा से इसको डालने की जरूरत नहीं समझी, इसीलिए कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में ही ये शेड्यूल 2 में रखा गया। तो बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में, अगर कमर्शियल बैंक को देखें, एक होते हैं आपके शेड्यूल्ड बैंक और एक होते हैं दूसरे बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, जो आपके आरबीआई एक्ट में है, ठीक है, और वो कुछ टर्म्स के साथ कंप्लाई करता है, भाई पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जब वो कैरी करेगा तभी वो कमर्शियल बैंक में आएगा, और कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर वो इनकॉर्पोरेट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या इंपॉर्टेंट है निशा, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन देखो, तब तक हम थोड़ा सा कमेंट पढ़ते हैं आपके। प्लांट न्यूट्रिएंट डिजीजेस वगैरह कर लेंगे, उसके भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, पूछे जाते हैं, पर बिल्कुल पीएचडी वाले लेवल पर मत चले जाना, अगर खुद से भी पढ़ रहे हो कहीं वो फिर एग्रो इकोनॉमी, अगर जनरल वाला पेपर दे रहे हो, जो आरडीपीएस वाला जो जनरल वाला पेपर है, अगर वो दे रहे हो तो स्मार्ट वे में पढ़ना, कहीं एक एक बीमारी रटने लग जाओ, और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है। चलो एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्वेश्चन कराने वाले तो और भी बहुत लोग हैं यूट्यूब पर, ठीक है, और गूगल पर भी दुनिया जहान के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब एक काम की बात बता रहा हूँ, ये लोकेशन हटा रहा हूँ यहाँ से, अब तुम लोग यहाँ पर बात कर रहे हो तो एक काम की बात सुनो, काम की बात बच्चों ये है कि कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तब आपको उस टॉपिक की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना होता है, कॉस्ट यहां पर आपका टाइम है, टाइम एंड एनर्जी है, और बेनिफिट यहां पर यह है कि आप कितने मार्क्स उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर इन्वेस्ट करके हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन ही पूछना है, पर उस क्वेश्चन को याद करने में आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो जो मर्जी हो, तो उससे नुकसान क्या होता है कि एक नंबर के लिए आपने बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया और बहुत ज्यादा चीजें आपकी जो है बाकी की रह गई, और क्योंकि आपका माइंड जो है, जो दिमाग है, वो भी लिमिटेड चीजें ही याद रख सकता है, ठीक है, जो भगवान ने आपका दिमाग बनाया है, तो आप उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डालते रहो, तो उससे आपका टाइम भी गया, एनर्जी भी गया, और दिमाग भी वेस्ट हुआ। तो ये कुछ भी टॉपिक तैयार करने से पहले आपको उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो निकालना है, समझ रहे हो, जो भी आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन था अपने पास कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये क्या होते हैं, वही सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की एक्टिविटीज, जो आरबीआई करेंसी सेल करती है वो होता है, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट एंड सेल ऑफ शेयर्स बाय एफआईआईज। अब यहां पर जनरली अगर बच्चे को कंफ्यूज होना होगा तो वो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज होएगा, सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज होगा, ठीक है, पर हम नहीं होंगे कंफ्यूज, हमने इसका आंसर क्या रखना है, हमने इसका आंसर रखना है ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिकली होता क्या है, जब सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है, आरबीआई सरकार की सिक्योरिटीज को बेचता खरीदता है, जब ऐसा लगे कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है या मार्केट में इन्फ्लेशन घट गई है, तब ये कार्रवाई की जाती है ताकि पैसे को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन बढ़ गई है मतलब कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो सरकार जो है आरबीआई जो है उसको सख्त करेगी, उसको वापस खींचेगी मार्केट से, और वापस खींचने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में छोड़ देगी, बेच देगी, ठीक है। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, पैसा मार्केट से सख्त हो जाएगा। अगर ग्रोथ धीमी चल रही है, ठीक है, और देश में डिफ्लेशन का माहौल है, तो आरबीआई क्या करेगी, सरकार की सिक्योरिटीज को जो है
खरीदना शुरू कर देगी, उससे क्या होगा, खरीदने से क्या होगा, पैसा जाएगा, है ना, क्लियर है फंडा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम। अब एक करंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गए जो जनवरी 2020 से करंट रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो कौन सी स्टेट यूटी है जिसने एमओयू साइन किया है नीति आयोग के साथ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। करेंसी सेल नहीं होती है उसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, इसीलिए उसका ऑप्शन बी सही नहीं है राहुल, इसीलिए उसका ऑप्शन बी सही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर वहां पर ऑप्शन बी में करेंसी लिखा हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। मैंने बोला तो कि आरबीआई ही सेल करता है, यही तो कंफ्यूजिंग पॉइंट था उस क्वेश्चन में, और वो भी एक आपका मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है, प्री में उस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए, तो इसके आंसर आने शुरू हो गए हैं। लद्दाख बच्चे बोल रहे हैं और निशा बोल रही है 4, ठीक है लद्दाख, ठीक है राहुल बोल रहे हैं 3 जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अभी देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। चलो, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन 4 लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में आपका ये नीति आयोग जो है सेट क्या कर रहा है, एमओयू साइन किया है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। जब से ये जे एंड के को आपने देखा है कि वो कश्मीर और जो लद्दाख है इनको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया, तो लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए अब लद्दाख बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है पैक्ट साइन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द सिंगल वन, नीति आयोग सिर्फ ऐसा अकेला नहीं है, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अब एक यहां पर स्टैटिक फैक्ट जो आपका कवर हो गया वो ये है कि भैया यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ कौन है अभी, तो रविशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रविशंकर प्रसाद जो है ये आपके क्या है, बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ। अब इनकी कोई मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंसी बता पाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बता पाएगा? अरे तुम ये एप्पल वेप्पल पे कंसंट्रेट करना छोड़ो यार, क्या कर रहे हो, लो कंसंट्रेशन तुम्हारी लैपटॉप के ऊपर ज्यादा जा रही है। बताओ 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 जल्दी इसका आंसर दो। शायद बेंगलोर, शायद वाला स्कोप नहीं रखना यार अपने पास, शायद वाला जो होता है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा बेंगलुरु। तो 17 जनवरी को मंत्री जी ने, रविशंकर प्रसाद साहब ने जो है लॉन्च किया था अपना ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, और इसको सेट किया है निक ने, निक आपका क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो बेंगलुरु में है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इन बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। चलो अब पटना साहिब, पटना साहिब बता रहे हैं, ठीक है, कौशिक सरकार बता रहे हैं कि पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी है रविशंकर प्रसाद की। यहाँ पे शायद उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा उनके ऑपोजिशन में थे वो, तो उनको इन्होंने हराया था, पटना साहिब बिहार, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट विल बी कलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग सेंसस 2021। अब जो 2021 में आपका सेंसस होना है, आप सब जानते हैं कि सेंसस हर 10 साल में होता है, लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में, 10 साल बाद 2021 में होगा, तो 2021 के सेंसस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पहली बार होंगी, भाई हाउस होल्ड डेटा कलेक्ट करेंगे कि कौन से हाउस होल्ड है जो ट्रांसजेंडर जिनको लीड करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी सीरियल कंज्यूम पे,
90 लाइव व्यूअर्स हो गए, 10 और बढ़ा दो उसके बाद 10% डिस्काउंट आज का पक्का है, ठीक है। और इसके बाद हमारा मेंस का कोर्स भी अभी जल्दी लॉन्च हो जाएगा नबार्ड का, जो प्री का कोर्स जिसने लिया हुआ होगा उसको उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, हरमनजीत हमें बता दो आप फिर एग्जाम में क्या क्या आएगा। योगेश, इफ यू थिंक दैट द कोर्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू देन यू मस्ट बाय इट, इट इज जस्ट ₹4.99, तो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं, आप इजीली पे कर सकते हैं। चलिए ओके, तो आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, पर इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है आंसर सही आंसर नहीं है। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बच्चों ए और बी। तो पहली बार ट्रांसजेंडर हाउसहोल्ड को कौन लीड कर रहा है वो डाटा लिया जाएगा, और दूसरा डाटा क्या लिया जाएगा कि क्या सीरियल्स जो है वो फैमिलीज कंज्यूम कर रही है, कि भाई किस तरह का फूड हिंदुस्तान के जो परिवार है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर लिया जाएगा। अब 2021 के सेंसस में पहले ये डिसाइड किया गया था कि ओबीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, पर फाइनली अ डिसीजन हैज बीन मेड दैट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, और SC ST जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, तो ओबीसी डाटा नहीं कलेक्ट किया जाएगा। बेनिफिट योगेश इस कोर्स का ये है कि आपको 6 महीने के कॉम्प्रिहेंसिव जो है करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे, ठीक है। ये 6 महीने में आपका कौन सा करंट महीने आ जाते हैं, जैन आ जाता है, ठीक है, उसके पहले दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, सितंबर आ गया और अगस्त आ गया, और फेब के पहले 15 दिन। उसके अलावा जो मेरा क्लास स्ट्रक्चर रहता है उसमें ये रहता है, जो बच्चों ने आज अटेंड किया है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास स्ट्रक्चर ये रहता है कि हम स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं क्लास के एंड में, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फॉर एग्जांपल WHO है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका चेयरमैन कौन है, फाउंडिंग ईयर क्या था, हेल्थ डे कब होता है पूरे साल में, तो ये सब चीजें जो हेलो आवाज आ रही है बच्चों, टेक्निकल ग्लिच था शायद से कोई, उसको रिजॉल्व किया गया है। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को, एक मिनट हाँ जी है सब लोग। चलिए टेक्निकल इशू आ गया था, सिस्टम डाउन हो गया था। चलो तो कंटिन्यू करें, कहां पर थे हम लोग, कौन से क्वेश्चन के ऊपर थे, ये तो सारे हो चुके थे ना। अरे अभी पीडिया का डाटा नहीं फिनिश होता भैया, अभी पीडिया के डाटा की चिंता मत करो, अभी पीडिया के पास बहुत डाटा है, अभी पीडिया का डाटा फिनिश नहीं होने देते हम ऐसे, समझ रहे हो। अरे इंसान की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये तो फिर टेक्नोलॉजी है, कभी कभार साथ छोड़ जाती है, कोई बात नहीं, कभी कभार साथ छोड़ जाती है। क्या हो गया, सेंसस के ऊपर थे ना। चलो हाँ, तो ओबीसी मैं बता चुका हूं कि ओबीसी डाटा की पहले बात की थी कि ओबीसी डाटा करेंगे। अल्पना कह रही है बफर हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो सिस्टम को, बफर नहीं होगा हमारे एंड पे, अब प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है, बफर नहीं होगा। तो ओबीसी डाटा पहले बोला था कि कलेक्ट करेंगे पर नहीं करेंगे, अब सिर्फ SC ST का डाटा कलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा दो नई चीजें क्या है कि ट्रांसजेंडर, एक कि कौन फैमिलीज को ट्रांसजेंडर लीड कर रहे हैं, और दूसरी क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि सीरियल किस तरह का खाना खा रहे हैं घर वाले, तो वो सारी बातें अभी इकट्ठी करेंगे। उसके अलावा हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कोर्स में क्या क्या कवर्ड होगा, जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त, इनका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पार्ट जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड स्टैटिक चीजें, उसके अलावा फेब के करंट अफेयर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, विच डेट इज सेट एज डेडलाइन, कौन सी तारीख को एज अ डेडलाइन सेट किया गया है टू इंप्लीमेंट
टू इम्प्लीमेंट दी वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम. और पहले इसकी डेडलाइन क्या थी, पहले थी डेडलाइन जून 30 इसकी पहले डेडलाइन थी, जो अब चेंज कर दी गई है. तो अब नई डेट कौन सी है, सरकार ने उसको चेंज कर दिया है. सर का न्यू हेयर कट बढ़िया, बस तैयारी चल रही है वैलेंटाइन डे की. सर्वेश है ना, मजाक कर रहा हूं, क्लास है वैलेंटाइन डे वगैरह कोई नहीं बनाने जाएगा भाई, सारे यहां पर पढ़ाई के लिए चाहिए मेरे को. ठीक है, कोर्स वाली क्लास भी चलेगी और ये लाइव क्लास भी चलेगी, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन नहीं है. और 10% डिस्काउंट जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है, 10% डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है. कोर्स वो आपकी चिंता नहीं है, मैं अपने आप फिनिश कर दूंगा, 15 दिन से पहले ही फिनिश हो जाएगा. चलिए, तो इसका आंसर बच्चे बोल रहे हैं जून 1, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जून 1. तो 30 दिन जो है इन्होंने इसको पीछे कर दिया है, 30 दिन इसको इन्होंने पीछे कर दिया है. हमारी टेक्निकल टीम जो है स्पेशली मेरे को रिटर्न में देकर गई कि सर क्योंकि हमारी वजह से बच्चों का सेशन रुक गया, तो आप उनको ये बोल दो कि 10% डिस्काउंट अब हमारी तरफ से एक्टिवेट कर दिया गया. देखो अभी अभी मेरे को चिट्ठी पकड़ा कर गए हैं, ठीक है, कि हमारी वजह से बच्चों का सेशन रुका, उनको बफरिंग वगैरह का प्रॉब्लम आया. तो इस तरह से काम करते हैं, और ऐसी डेडिकेटेड टीम को चलाने के लिए थोड़े फाइनेंसिस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से पेड कोर्स चलाने पड़ते हैं थोड़े बहुत. चलिए अगला सवाल, 11वां क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजंस बिल फॉर द ट्राई कैपिटल सिस्टम रिसेंटली. बताओ क्या आंसर है इसका. आंसर बताओ इसका क्या है. और जो बच्चे इसके 999 भर चुके हैं, अगर उन्हें अब ताकि बिट्रेड ना फील हो कि बाकियों को डिस्काउंट मिल रहा है, हमने पहले पे कर दिया तो हमारे साथ क्यों, उनको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं. टेंशन मत लो. और 10% डिस्काउंट के साथ कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, 100 रुपए का फर्क पड़ेगा. चलिए, ये आपके मॉक टेस्ट ही है योगेश, ये मॉक टेस्ट ही तो है, आंसर करो. कितने सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं आपको, अराउंड 200 क्वेश्चंस शायद हो चुके हैं. उसके अलावा मेरे हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं. लकी आज सारे पीडीएफ मिलेंगे, आज मेरी पर्सनल गारंटी है, घर नहीं जाऊंगा जब तक पीडीएफ नहीं लगेंगे. चलो, तो आंसर इसका क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश. अब ये ट्राई कैपिटल सिस्टम है क्या, बेसिकली हिंदुस्तान में स्टेट्स होती हैं. अब हर स्टेट की एक कैपिटल होती है. अब जो कैपिटल वाला रीजन होता है ना, वो डेवलप हो जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हैं, सारे सरकारी ऑफिसेज भी हैं, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह सब अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है. पर जो बाकी के रीजन होते हैं वो कई बार अनडेवलप्ड रह जाते हैं. क्या रह जाते हैं, अनडेवलप्ड. तो बाकी रीजन से कई बार डिमांड भी उठती है कि भाई हमारे एरिया में भी आप कैपिटल बनाओ ताकि हमारी भी डेवलपमेंट हो. तो आंध्र प्रदेश ने अब एक सिस्टम बनाया कि भाई हम 3 कैपिटल सिस्टम बनाएंगे. ठीक है, इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक कैपिटल नहीं होगी शहर की, स्टेट की, इसमें क्या होगा, मल्टीपल कैपिटल्स होंगी. मल्टीपल कैपिटल्स इसमें रहेंगी. तो ये स्ट्रक्चर जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया. अगला सवाल देखो, 12वां सवाल, What was the theme of second edition of NIC Tech Conclave 2020 inaugurated by Shri Ravi Shankar Prasad in New Delhi? Shri Ravi Shankar Prasad ने जो second edition जो है launch किया NIC Tech Conclave का, वो theme क्या थी? अब देखो question के अंदर क्या क्या fact छुपे हुए हैं, question के अंदर अंदर क्या क्या fact छुपे हुए हैं. सबसे पहले तो आपका सेकेंड एडिशन था, ये फैक्ट छुपा हुआ है. अगर आपसे वो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि भाई फैक्ट ये बताओ कि कौन सा एडिशन था, तो सेकेंड था. किसका एडिशन था, NIC Tech Conclave का. मिनिस्टर कौन था जिसने इनॉग्रेट किया, रविशंकर प्रसाद था. कहां पर इनॉग्रेट हुआ, नई दिल्ली में हुआ. तो सवाल के अंदर ही 4 फैक्ट छुपे हुए हैं, सवाल के अंदर ही 4 फैक्ट छुपे हुए हैं जो तुम्हें पकड़ने थे. ठीक है, तो थीम इसकी क्या है, आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दो.
और बताओ। चलो तो आंसर इसका क्या है बच्चों, इसका आंसर है टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस, राहुल का बिल्कुल सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इंप्लीमेंटेड एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी रिसेंटली। कौन सी स्टेट हिंदुस्तान में लैंड लीजिंग पॉलिसी को उसने अभी इंप्लीमेंट किया, पहली स्टेट बनी और ऐसी। आरके शर्मा बुक फॉलो कर सकते हो, पर अभी अगर अभी तक नहीं पढ़ी वो बुक तो अब 10 दिन पहले किताब पढ़ने लगोगे तो बाकी की तैयारी जो है मिस हो जाएगी। हरमनजीत बिल्कुल फोकस करो, रोहित सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, विलेन जो है 1920 के सर्वे से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चंस दो सेशन सर के हो चुके हैं, यूट्यूब पर ये है फ्री, बिल्कुल देख सकते हो। अरे अरिजीत मैक के पीछे काहे पड़े हो, मेरे को मैसेज करना, मैं बताऊंगा कितने का है। चलो तो आंसर इसका क्या आ रहा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका आंसर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, उत्तराखंड जो है ये पहली स्टेट बनी जिसने ये एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च की है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां तक, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक तो पूछो। इसके बाद अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा कवर करेंगे, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे जो जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपका जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई डाउट है किसी को, चलो तो अगला आज का आखिरी सवाल, सब लोग अब इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट कैंपसेस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज टिल 21-22। तो बहुत सारे एनआईटीज एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, तो कैबिनेट ने अभी उसके लिए कितना पैसा जो है वो डाला है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी आंसर दो, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है राहुल बोलो। बताओ क्या कंफ्यूजन है, और साथ ही इसका आंसर भी दो जल्दी से। एक्समेल कह रहे हैं स्किप, सीबीआई, अच्छा सीबीआई आ गई, ओके, पर अपने पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सीबीआई रेड मार सके। चलो पीजेस तो चलते रहते हैं तुम्हारे टीचर के, और पूरा दिन ऐसा बिजी रहते हैं कि पीजे ही आते हैं दिमाग में। चलो 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 जल्दी, स्किप कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बच्चों 4371.90 करोड़। तो इतना पैसा जो है सरकार लगा रही है नए एनआईटीज बनाने के लिए, ठीक है। चलो अभी स्लाइड को हटा देते हैं, अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक बातों की, क्योंकि काफी बच्चों ने कहा कि सर स्टैटिक डिटेल्स भी जो है वो डिस्कस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमसे पूछी जाएंगी। चलो स्टैटिक डिटेल अब यहां पर कवर करते हैं, और जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं वो चिंता मत करें, जो यहां पर कवर हो गया वो रिपीट नहीं होगा कोर्स में, ठीक है, वो उसमें हम नई चीजें पढ़ेंगे। तो तुम्हारे लिए तो दिन का काम बढ़ गया है, पहले तुम्हें 12 बजे वीडियो देखना है जो कोर्स वाला चलेगा, और 3:30 बजे तुमने यहां पर भी पहुंचना है, सारे अटेंडेंस लगाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो तो नीति आयोग पहले पढ़ लेते हैं, नीति आयोग के बारे में कुछ जो आपके स्टैटिक फैक्ट्स हैं नीति आयोग के बारे में। किस दिन बना था, 1 जनवरी 2015, डेट इंपॉर्टेंट, अगर बिल्कुल स्टैटिक वे में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना हुआ, और जब जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस मेन में आते हैं वो यहां पर कवर होंगे।
शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं राहुल। हम आप देखो, पहले हमने एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको कराया, ठीक है, उसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर सेंसस भी कराया, लाइफ स्टॉक सेंसस भी कराया, एनिमल हस्बेंड्री। अब मेरा ज्यादा फोकस आपके करंट के ऊपर है, ठीक है, उसमें हम आपको इकोनॉमिक सर्वे भी करा रहे हैं। तो बेसिकली हम ज्यादा करंट कवर कर रहे हैं और बीच बीच में मैं स्टैटिक क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, और आपकी अभी एक दो क्लासेस कंप्यूटर की भी हम बीच में ले लेंगे। तो ये सारा जो है आपका प्रोग्राम चल रहा है। अब चलिए, तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहां है इसका? हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। चेयरमैन कौन होता है इसका? चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका बच्चों कौन है? अमिताभ कांत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया अमिताभ कांत, और फिर बाद में आ जाता है आपका वाइस चेयरपर्सन जो है राजीव कुमार, वीपी। वीपी कौन है? राजीव कुमार। अब आप में से कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहेगा तो कर सकता है, कोई भी इनमें से इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहता है वो कर दे, कर दे। चलो राहुल, मैं आपको कल 10 डेज का शेड्यूल भी दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी, सीईओ अमिताभ कांत, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज राजीव कुमार। तो ये पीडीएफ में अब नहीं रहेगा क्योंकि बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो या कुछ भी करना चाहो, वैसे तो याद यहीं पर कर लो तो बेटर है, याद यहीं पर कर लो तो ज्यादा बेटर है। चलो अब बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ बना कब? 1958 में। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर कहां है बताओ इसका? इसमें हेडक्वार्टर में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में हमेशा कंफ्यूज होते हैं स्टैटिक में। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बताओ जल्दी बताओ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, नीति आयोग की। चलो ओके, कौशिक कह रहे हैं बेंगलुरु, एक्समेल भी कह रहे हैं बेंगलोर, यही वाली सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, यही वाली सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। डीआरडीओ जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज है हम उसको भेज देते हैं बेंगलोर, पर ऐसा नहीं है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। यहीं पर बच्चे हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर अब तुम लोग नहीं होगे, ठीक है, जो 60 लोग जुड़े हुए हो, अब तुमने नहीं अब इसमें कंफ्यूज होना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें तो पता चल गया कि दिल्ली है, ठीक है। चलो तो 1958, और इसका चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अब आप सारे बच्चे इसको याद रखोगे, बिल्कुल कोई भी भूलेगा नहीं, और ये जो हम इंफॉर्मेशन आज पढ़ रहे हैं ये तुम्हारे नबार्ड में तो काम आएगी ही आएगी, बाकी के जो तुम पेपर दे रहे हो, क्योंकि तुम में से काफी बच्चे आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो, ठीक है। अभी मेंस होएगा आरबीआई का, असिस्टेंट तो तुमने क्लियर करना ही है प्री, तो मेंस में तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन काम आएगी। चलो अब एक इंटरनेशनल बॉडी की भी बात कर लेते हैं, आईएमओ, फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी कब नहीं बनी पेपर में हमसे नहीं पूछा जाएगा, कब बनी है कब नहीं बनी हमसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी 1948 में बनी। इंपॉर्टेंट क्या है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हेडक्वार्टर कोई बताएगा? किसी को पता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, आईएमओ का?
बताओ हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बिना गूगल करे, बिना गूगल करे इसका हेडक्वार्टर बताओ कहां पर है। और सेशन को थोड़ा शेयर करो, टेक्निकल क्लिच आ गया था, बच्चे भाग गए, उन्हें लग रहा होगा सेशन खत्म हो गया। चलो तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर, लंदन में हेडक्वार्टर है। और आईएमओ का चेयरमैन कौन है, किटाकलिव। अब देखो मैंने आज बच्चों को क्लास में भी समझाया था 12 बजे वाली जो क्लास थी, कि तुम्हें इनके नाम जो है ना उल्टे सीधे तरीके से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना तो हमने यहाँ पर शादी करनी ना इन्होंने हमसे शादी करवानी किसी की, तो जैसे हमें याद रहे हम वैसे करें, ना तो स्पेलिंग याद करने का जोर डालो ना कुछ, क्योंकि एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू है। तो अगर इसको याद करना है मैं कहूंगा मेरे को बोट में बैठ के ना किटकैट खाने में बड़ा मजा आता है, चॉकलेट आती है ना किटकैट हैव अ ब्रेक, तो मैं किटकैट के नाम से इसको याद कर लूंगा, किटकैट के नाम से मैं इसको याद कर लूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी और तरीके से याद करना चाहो तो आप वैसे याद कर सकते हो, मैं इसको किटकैट के नाम से याद करूंगा, मुझे आसान रहेगा। जैसे मैंने आज बच्चों को डायरेक्टर जनरल याद कराया पेड क्लास में, भाई डायरेक्टर जनरल WHO का कौन है, टेड्रोस एडनोम गैब्रियस, अरे मेरी तो जुबान ही टेढ़ी हो जाए इतना टेढ़ा नाम लेते हुए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बच्चों को कि किस नाम से याद रख लो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टेड्रोस ट्यूबरकुलोसिस, हो जाएगा याद, समझ रहे हो। अब जैसे हमने UNDP का क्लास में आज याद किया, UNDP का याद किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम, सॉरी UNDP का चेयरमैन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे याद किया। UNDP का चेयरमैन का नाम है जो एडमिनिस्ट्रेटर है एकाइम स्टेनर, स्टेनर से तो मैंने कुछ नहीं लेना। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि हमें लोगों को डेवलप करना है, लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है। अब लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है, इच्छा इंसान की कभी मरती है, मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, मेरे अंदर के भाव फिर पैदा हो जाते हैं यार काश 11वीं चॉकलेट भी होती तो मजा आ जाता है ना, तो मतलब एक और की इच्छा जो है वो चली रहती है। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, कोई मेरे को आके पूछे कि यार ये तो तेरे पास बहुत है, नहीं यार एक कम है, एक और होता तो मजा आता, तो मैं क्या कहूंगा एक कम डेवलपमेंट है। उल्टी सीधी बातें पर याद करना है तो जैसे मर्जी हो याद होना जरूरी है, ठीक है। कौन सा हमने आंसर शीट में लिख के आना है कि हमने ऐसे याद किया है, समझ रहे हो। तो ये सब उल्टी सीधे काम करते हैं हम क्लास के अंदर। चलो एक और देख लेते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर बताओ कहां पर है, इसरो का हेडक्वार्टर। आसान है ये तो, बहुत ही आसान है ये तो, कतई मुश्किल नहीं है। इसरो का हेडक्वार्टर तो बहुत ही आसान है, सारे बच्चे आंसर दे देंगे इसका तो। और जो नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए तो क्लास और इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उन्हें आज पता चल जाएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है। तो किसी ने भी गिल्टी फील नहीं लेना कि सर ने कह दिया कि यार ये तो पता होना चाहिए, तो मतलब अगर मेरे को नहीं पता तो मैं जो है नीच हो गया, ऐसा नहीं होता। बैंगलोर, ठीक है, बिल्कुल बैंगलोर में है, चेयरमैन है K.Sivan। चलो अब इसरो का जो काउंटर पार्ट है US में वो कौन है, नासा। नासा का कहां पर है, नासा का कहां पर है, नासा का कहां पर है, नासा का है Washington DC United States। 1958 में फाउंडेशन हुई थी और फाउंडर का नाम क्या है, ड्वाइट डी आइजनहावर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है, Washington DC। हेडक्वार्टर याद कर लोगे Washington DC। Washington DC में क्या है, व्हाइट हाउस है, जहां पे US का प्रेसिडेंट रहता है, व्हाइट हाउस से इस ड्वाइट का नाम याद कर लोगे, व्हाइट हाउस से ड्वाइट का नाम याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, व्हाइट हाउस से ड्वाइट का नाम याद कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है ना। चलो तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स थे, कल और फैक्ट्स लेकर आएंगे।
आज इतना ही पढ़ेंगे, अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, बाकी लोगों की होगी छुट्टी वो जा सकते हैं, जिसको डाउट है वो पूछ ले और बाकी लोग रुककर अपने डाउट्स पूछे, बाकी जिनका कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, उनके लिए क्लास ओवर हो चुकी है। चलिए पूछो पूछो, कल का शेड्यूल, कल छुट्टी है, कल ट्यूसडे है, ये बात आपको मेरे हिसाब से पता होगा कि ट्यूसडे को इंस्टीट्यूट हमारा ऑफ रहता है, मैंने पहले भी बताया था, तो आपका जो है कल छुट्टी रहेगा। कट ऑफ नहीं टारगेट करना यार तुमने, मेरे से कट ऑफ का सवाल मत पूछा करो, कट ऑफ का सवाल पूछने वाले बच्चे मुझे अच्छे ही लगते। अगर पेपर 100 नंबर का है तो तुम्हारा टारगेट 100 के 100 नंबर है, आरबीआई प्री में 100 के 100 नंबर है। कट ऑफ कुट ऑफ बाद में देखेंगे, कट ऑफ वगैरह अपन बाद में देखेंगे, अभी तुम्हारा 100 का 100 है, समझ रहे हो। कट ऑफ जब तुमने टारगेट कर लिया तो तुम अपनी ग्रोथ तुमने खुद ही रोक दी। हाँ तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना कुमार सर्वेश 14th को, क्या हो गया, अरे इतने दुखी मत हो। पेड कोर्स देखो 999 का कोर्स है, अभी उस पर 10% ऑफ है, वो भी आज रात 12 बजे तक के लिए ही है, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने मना मना के इनसे लिया है, मान नहीं रहे थे, ठीक है, तो आज 12 बजे तक का है, उसमें आपको करंट अफेयर कराए जाएंगे 6 महीने के, जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर आपका सितंबर और अगस्त, और उसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर कराई जाएगी, प्लस साथ के साथ आपको फरवरी के 15 दिन भी कराए जाएंगे। 15 तारीख तक कर लो हरमनजीत, बहुत है, जितने हो सके उतने करो सीबीआई, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। प्रशांत अभी मैंने पेड कोर्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो आप अगर आपसे मिस हो गई है तो प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो रिवाइंड करके वो दोबारा सुन लो। कंप्यूटर के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी कंप्यूटर के सेशंस लेने की भी मैं कोशिश करूंगा आपके, कि मैं 2-3 कंप्यूटर के सेशंस ले लूं आपके। सीबीआई आपके वेबसाइट पे मुझे कोर्स नहीं मिल रहा, सीबीआई कह रहे हैं वेबसाइट पे कोर्स नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना वीडियो की तो वहां पर लिंक दिखेगा, अगर उस लिंक पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये रहा नंबर, मैसेज करो इस पे, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ भी करो। और बताओ, और किसी का कोई डाउट, और किसी का कोई इशू, कोई डाउट, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है तो। रीजनिंग और मैथ्स आप अपना बेसिक लेवल प्रैक्टिस करते रहो, हमारे टेस्ट भी हैं वेबसाइट के ऊपर, वो देखते रहो तो आपका वहां से हो जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ये वहां घूमने गया।